उमापति महेश्वरम नमाम शिव शंकर नमो यभूत भूतनाथ नंदीश्वर श्री हरि कटंग सिर पर जटा उमंग फर पर हिमालय उमाशय शोभितम निरंतर उमापति महेश्वर नमाम शिव शंकर हरि त्रिशूल हाथ नाथ दक्ष यज्ञ खंडित ब्रह्मांड गौर गण गण तंद नित्य मंडित देवादि देव दिव्य भव भास्कम भयंकर उमापति महेश्वर नमाम शिव शंकर उमापति महेश्वर नमाम शिव शंकर प्रसन्न हो परम पिता अनूप दान दायक नमः शिवाय भक्त गुण गायक नमो अलक निरंजन नाथ मंगलम कर उमापति महेश्वर नमाम शिव शंकर नमाम शिव शंकर नमाम शिव शंकर जय दहंकारी जय विनाशकारी। ये माताएं बहने अभी क्यों चली गई भाई? अभी लीला खत्म थोड़ी ना हुई है, कम से कम माता सीता का विवाह देख कर जाना चाहिए। इतनी जल्दी कौन थी भाई? हेलो, जय दहंकारी जय विनाशकारी। जिस समय संकल्प लेकर मैं करता हूँ आपका पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चटन, सहसा क्यों चटन, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या रक्त पास्ता रणचंडी मुंड वाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोनी शोषणा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई बोल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन पलायन ने झंझा का रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है। रात्र का समय है, मंद मंद मौत बदल सा रहा है, संपूर्ण नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठगा ले रहा है। रात की देवी मां निशा साय 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में बसीभूत किया है। यह मैं क्या देख रहा हूँ, मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई, नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, किंतु सुदावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं, अस्तो नेत्र स्वर्थ है। हो रहे आज है अंश दिन तो डोलटा सिंहासन, हो रही है महाप्रलय कश्यप का तांडव रचन, और आप प्रभासान प्रवाही क्या घिरा है कोई शैतानी बादल, या फिर कोई शिवभक्त हुआ जिसने समाज लगा देतल, क्या कहा आज किसी शिवभक्त का अवतार हुआ जिसने समाज लगा देतल, आज बड़े स्वर्ण में
खोदल का बात कहता। हे दीनानाथ, हे विशंबर नाथ, चिंचित चिताकर्षक प्रमुद प्रभाव से ओतप्रोत प्रांगण में यह उचित चिंचित कार्य क्यों कर रहे हैं? बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर इस सेवा की सुकांतिक क्रिया के बल में पाटका में बड़ी परिवर्तन की घड़ियां सुतन लोक के स्वत सम्राट श्री बल के पुत्र युवराज पाल को क्यों कृषा करना चाहती है, क्यों कृषा करना चाहती है? और आज चित्त क्यों चंचल, कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतन लोक का दृश्य मुझे आप किंचित मात्र भाता है। परेश जयचंद्र को रामे कौन बुलाता है? क्या करो भगवान भोलेनाथ, मेरा हृदय क्यों भ्रम खाता है? मैंने तो इस पृथ्वी पर कोई भी फिर अवशेष नहीं रखा जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता बर्तले सावधान सावधान सावधान। इसकी मचलती भुजारण खेलने को ये मस्तक घुमा चाहता है। फिर कौन कहता बात सावधान, फिर कौन कहता बर्तन सावधान 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 करने वाले में क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम, हर विश्व विजय करने वाला जो चुप करता मुझे प्रणाम। फिर कौन कहता बात सावधान, फिर कौन कहता बर्तन सावधान सावधान सावधान। राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग बिताता हूँ उत्पीड़न सावधान 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 सावधान। मैं महायुद्ध में प्रथम चलूं, ये धरती जाए मेरे उनकार मत सही, इस चक्का जोस बदल जाए। फिर कौन कहता बर्तन है सावधान सावधान सावधान। ये कमरा ऐसा हटा है, ये पुतली भूमि जाती है और महाविनाश के चक्कर में ये दाना शक्ति जाती है और ये कह के महाप्रलय के बाद पावन बनता है। गुरुदेव कृपा कर पता दो, गुरुदेव कृपा कर पता दो कि मेरा हृदय धड़कता है, कि मेरा हृदय धड़कता है। अब क्या करो भगवान भोलेनाथ, अब क्या करो? आठों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री सिंहद्वज जनक ने अपनी भूमिका कन्या सीता का स्वयं ठान रखा है। जहाँ देश देशांतर के नेपालों का समागम धनुष से यज्ञ धनुष सोनी वेद का प्रस्थापित हो चुका है, वहाँ कांत का रावण का प्रस्थान जिसने पूर्ण किया है अभी अभी अपना अधूरा विश्व विजय अभियान। पाखंडी प्रपंच अत्याचारी दुराचारी निशागर रावण बचाओ सावधान, अदास सावधान नहीं करने दूंगा तुझे अदास यज्ञ व्यवधान। अच्छा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में वक्त बचाने चाहने का उस लंकेश्वर अनुमानी में बजाओ सचेत लंकापति, बजाओ सचेत लंकापति। अब नीत नहीं चलने दूंगा, अपने चीतन जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। लंका के शासक, लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ, जग विरोधो आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। लंका के शासक सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। अरे यक्षा की जो लंका उद्रम विश्व में कर डाला, उत्तम पुरस्कृत चादर को निजातक गंदा कर डाला, ना पुष्पित तरुओ के ना जाने कितने तुमने दस बार मसल डाले, उन मसले हुए अरमानों को मैं आज जगाने आता हूँ। और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ, अब मैं भूतल पर आता हूँ। मुझे अति शीघ्र सुतल लोक पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर मिथिला को प्रस्थान करना चाहिए, कहीं मुझसे पहले वो निशाचर राक्षस लंकापति रावण न पहुंच जाए जो मिथिला जाकर अनिष्ट कर दे। अतः मैं मन की गति से अति शीघ्र मिथिला प्रस्थान करता हूँ। मेरे राज्य की रक्षा कर रही देवियों, मेरे राज्य की रक्षा करना। एक बार बैठे हुए सभी लोग जोर से जयकारा लगा दें, बोलो आदि गुरु भगवान शंकर की। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, बड़ा ही सुंदर अभिनय श्री बाणासुर जी का आप सभी लोग देख रहे हैं, अभिनय अभिनीत कर रहे हैं हमारे बाण का आगमन हो चुका है। अति शीघ्र उसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है, अति शीघ्र संदेश पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार हो।
महाराज सुंदर लोग से बल चले बाढ़ का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। और एक लुइया हमारे सुशील जी जो तबला वादक है उन्होंने भी भेंट की है और उन्होंने ये कहा है हमारे घर आ जाना हम दे देंगे। ये बिल्कुल सही है कि बिना घर आए हैं हाँ ठीक किराया चले जाना बेटा। पंडित महाराज सोनपुरा वतन महाकाल बाण का आगमन हुआ है, तुम तो हमारे भावों से परिचित हो ना, मैथिल संस्कृति से सर्वथा सुपरिचित हो, अतिथि देवो भाव, जो अतिथि है हमारे यहाँ आगंतुक के रूप में है और हमारा ये विराट सम्मेलन एक देश का नहीं है, एक राष्ट्र का नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन है। यहां सभी आने वाले मेरे द्वारा सम्मानित किए जाएं, यहां की संस्कृति है। सोनपुरा वतन महाकाल बाण आए हैं, हम उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, ऐसा काल खंड मुझसे कहना। आदरणीय बंधु, ललक रहे थे पलक हमारे ये मंजुल दर्शन पाने को, ललक रहे थे पलक हमारे आई मंजुल दर्शन पाने को, ललक रहे थे पलक हमारे मंजुल दर्शन पाने को, उर भी था उल्लास भरा निज मानस कमल खिलाने, मैं देख रहा कितना सुंदर वातावरण है, कैसा सुखद कालखंड है, है दिवस आज का धन्य दिवस, है अमूल जीवन घड़ियां।